तो गाइस सर आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की वीडियो होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स यार आज की वीडियो में मैं आपके लिए ऐसा प्रोजेक्ट लेके आया हूँ जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम एक ऐसा BMS बनाने वाले हैं फ्रेंड्स, जो आज तक फ्रेंड्स आपको यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपसे मैंने 3-4 महीने पहले यूट्यूब पर फ्रेंड्स अपने एक वीडियो डाला था फ्रेंड्स, वो भी BMS से रिलेटेड था। तो फ्रेंड्स उस पर लोगों के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे कि सर आपने कैसे लगा दिए फ्रेंड्स सीरीज व पैरल में, आपने कैसे ये बैटरीज कनेक्ट कर दी। तो फ्रेंड्स वो सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं इस वीडियो में आपके लिए साथ शेयर करने वाला हूँ कि फ्रेंड्स आप कैसे घर पर एक अपना ऑन BMS बना सकते हो फ्रेंड्स, और काफ़ी ज़्यादा कम कॉस्ट में फ्रेंड्स ये बन जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब करो, मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गो। धानु एक्सपेरिमेंट। सो गाइस यहाँ पर मैंने कुछ लिथियम आयन बैटरी ले ली है, तो हम फ्रेंड्स आज इन्हीं का BMS फ्रेंड्स बनाएंगे, जिसमें फ्रेंड्स कोई और सर्किट का यूज़ नहीं करेंगे। आज हम खुद फ्रेंड्स एक ऐसा सर्किट बनाएंगे फ्रेंड्स जो कि फ्रेंड्स BMS की तरह काम करेगा, और फ्रेंड्स हमें इसमें चालू कंडीशन की बैटरी लगानी है। ऐसा ना हो फ्रेंड्स आप इसमें ख़राब बैटरी लगा दो और ये बाद में काम ना करें। तो फटाफट मैं इनको चेक कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने 3 सेल ले लिए हैं, और फ्रेंड्स मैं इन्हें सीरीज में कनेक्ट करूँगा। यहाँ पर मैंने सीरीज में इन्हें रखा है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं इन्हें बांध लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं PVC टेप से इन्हें फिक्स कर दूँगा। आप चाहें तो यहाँ पर कोई प्लास्टिक का बॉक्स बनाकर फ्रेंड्स आप उसमें यूज करना, आप कोई PVC पाइप का बॉक्स बना लेना फ्रेंड्स और उसमें इसका यूज करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर उसके कनेक्शन बता दूँ, ये नेगेटिव और ये है फ्रेंड्स पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो फ्रेंड्स ये पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पर मैंने इन्हें सीरीज में कनेक्ट किया है। तो फ्रेंड्स आपको आगे कोई परेशानी ना हो, तो यहाँ पर मैं फ्रेंड्स कुछ यहाँ पर वायर के टुकड़े काट लिए हैं फ्रेंड्स छोटे छोटे, इनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, इक्वल आपको 2 टुकड़े काट लेनी है, और फ्रेंड्स हमें कुछ और वायर के टुकड़े काटने हैं छोटे छोटे, वो अभी आपको आगे पता पड़ जाएगा। फ्रेंड्स हमें यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेनी है, तो हम पहला वायर बैटरी के पॉजिटिव पे फिक्स करेंगे फ्रेंड्स, और दूसरा वायर नेगेटिव पर। तो फ्रेंड्स ये हमारी एक साइड हो गई, अब हमें दूसरी साइड इसी तरह से वायर कनेक्ट करनी है छोटे छोटे। तो फ्रेंड्स मैंने इधर तो कनेक्ट कर दिया, अब इधर भी लगाएंगे छोटे छोटे वायर। तो यहाँ पर मैं नेगेटिव पर लगा देता हूँ एक वायर और एक वायर पॉजिटिव। अब फ्रेंड्स जो हमने वायर लगाए हैं फ्रेंड्स इन्हें छील लेंगे, और हमें इन पर स्विच लगानी है, SPST स्विच यहाँ पर लगानी है। आप चाहे तो पुश स्विच का यूज कर सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स वो पुश स्विच यहाँ पर काम नहीं करेंगे, हमें इन्हीं का यूज करना है। तो यहाँ पर मैं इन स्विचेस को यहाँ पर लगा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने स्विच लगा दिए हैं, अब इसके फ्रेंड वोल्टेज भी चेक करके देख लेते हैं। तो इसके जो वोल्टेज हैं वो करीब 8 वोल्ट के अराउंड इसके वोल्टेज हैं, जो कि अभी ठीक है फ्रेंड्स, अभी ये डाउन कंडीशन में है। अब जब चार्ज होगी फ्रेंड तो अपनी ये ओरिजिन कंडीशन में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक येल्लो कलर का वायर ले लिया है, और हमें अब इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं बैटरी के जो पॉजिटिव वायर है फ्रेंड्स उस पर लगा दूंगा इसका, और फ्रेंड इसके दूसरी तरफ से जो बीच वाला सेल है फ्रेंड्स उसके नेगेटिव पर लगा दूंगा। तो फ्रेंड्स इस पे मैंने लगा दिया है, अब फ्रेंड हमें तीसरे सेल के पॉजिटिव पर फ्रेंड्स ये वायर कनेक्ट करना है। तो गाइस यहाँ पर हमने स्विच भी कनेक्ट कर लिए हैं, अब मैंने यहाँ पर कुछ वायर फ्रेंड्स इसमें लगाए हैं फ्रेंड्स, वो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकती हो मैंने किस लिए लगाए हैं फ्रेंड्स, वो वीडियो में आपको आगे अभी पता पड़ जाएगा फ्रेंड्स। गाइस यहाँ पर हमें 4 पोल के स्विच का यूज कर रहा हूँ, आप चाहें यहाँ पर 2 स्विच भी लगा सकते हो फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स इसमें 2 स्विच हैं एक स्विच में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इस स्विच को यहाँ पर लगा दिया है फ्रेंड्स,
अब फ्रेंड्स ये स्विच हमने एक तरफ लगा दिया है, अब फ्रेंड्स ठीक इसी प्रकार हमें दूसरी तरफ भी लगाना है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पहले इसकी जो मेन लाइन है फ्रेंड्स वो इसकी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जो ब्लैक कलर का वायर फ्रेंड्स वो इसकी नेगेटिव पर लगा दूंगा और फ्रेंड्स जो रेड कलर का है वो यहाँ पर पॉजिटिव पर लगा दूंगा। फ्रेंड्स इन्हीं से ये रिचार्ज होगा फ्रेंड्स और इसी से हमें आउटपुट देगा फ्रेंड्स ये। अब गाइस हमारी एक साइड तो कंप्लीट हो गई, अब हमें दूसरी साइड भी फ्रेंड्स इसी तरह से स्विच लगानी है। तो यहाँ पर मैं नेगेटिव पर फ्रेंड्स दो वायर कनेक्ट करूँगा फ्रेंड्स और फ्रेंड्स उधर पॉजिटिव पर एक एक वायर कनेक्ट करूँगा। तो गाइस यहाँ पर मैंने वायर कनेक्ट कर दिया फ्रेंड्स और इन्हें बीच में से कट भी कर दिया है। अब फ्रेंड्स हम इन पर स्विच लगा देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं यहाँ पर दो स्विच लगाऊंगा फ्रेंड्स क्योंकि फ्रेंड्स मेरे यहाँ पर फोर पोल का स्विच मेरे पास अभी करंट में है नहीं। गाइस अब आपको एक बात नोट करना है, अब यहाँ पर हम जो स्विच लगाएंगे फ्रेंड्स वो हमें ऑफ करके तब लगाना है फ्रेंड्स, ऑन कंडीशन में नहीं लगाना है। हम यहाँ पर ऑफ करके फ्रेंड्स तब उन स्विच को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो गाइस ये बनकर रेडी हो चुका है और फ्रेंड्स अब हम इसमें और भी मॉडिफिकेशंस करेंगे फ्रेंड्स, वो आपको वीडियो में भी बता दूंगा। सो गाइस ये बनकर रेडी हो चुका है फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो फ्रेंड्स ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब फ्रेंड्स अब मैं आपको इसके जो वोल्टेज है वो आपको चेक करके दिखा दूं कितना इस पे आउटपुट आ रहा है। तो मैं अभी आपके सामने इसे मल्टीमीटर से आपको चेक करके दिखाऊंगा। गाइस आप देख सकते हो कि जो हमारी बैटरी से वोल्टेज है वो करीब 11 वोल्ट के अराउंड आ रहा है फ्रेंड्स, इसका मतलब हमारी जो बैटरी है वो बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रही है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पर इसे स्विच को है इन्हें ऑफ कर दूंगा। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर सीरीज को कट कर दे रहा हूँ फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पर फ्रेंड्स बीच वाले जो स्विचेस है मैं उन्हें ऑन कर दिया फ्रेंड्स। अब आप देख सकते हो 3 वोल्ट आएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हो करीब 4 वोल्ट इसका आउटपुट आ रहा है। अब फ्रेंड्स ये सेल हैं सारे वो पैरल में हो गए, वैसे फ्रेंड्स ये सीरीज में थे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक प्रोटेक्शन बोर्ड का यूज करूँगा फ्रेंड्स जिससे हमारी बैटरी को रिचार्ज करेगा फ्रेंड्स। ये आउटपुट फ्रेंड्स 4 वोल्ट के लमसम ये आउटपुट देगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं इसे नेगेटिव पे नेगेटिव और पॉजिटिव पे पॉजिटिव फ्रेंड्स कनेक्ट कर दूंगा। इससे फ्रेंड्स हमें दो फायदे हैं, एक तो हमारी बैटरी का प्रोटेक्शन करेगा फ्रेंड्स और दूसरा ये बैटरी को रिचार्ज भी करेगा। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो इससे कर सकते हो, नहीं तो आप कोई 7805 का ट्रांजिस्टर लगा सकते हो, उससे क्या होगा फ्रेंड्स वो 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर इसे टेम्परेरी लगा रहा हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर कोई परमानेंट और कुछ लगा सकते हो। तो आपको मैं फ्रेंड्स इसके जो वोल्टेज है वो चेक करके दिखा दूँ, ये 3 वोल्ट फ्रेंड्स इसमें अभी आ रहा है। हमें चार्ज फ्रेंड्स इसे 3 वोल्ट में करना है और फ्रेंड्स अब मैं इसे जो है जैक इसके चार्जर की जैक का पिन लगा के दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये रेड कलर की LED है वो ग्लो कर रही है, यानी कि जो हमारी जो बैटरी है वो चार्ज हो रही है, तो प्रॉपर चार्ज हो रही है। जैसे ही फ्रेंड्स ये फुल हो जाएगी तो इसमें ब्लू कलर की लाइट जल जाएगी। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको टेस्टिंग के लिए कुछ मैंने लाइट्स ले ली हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको सबसे पहले एक 100 वाट का हेलोजन बल्ब है वो आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने इसे 12 वोल्ट में कर लेता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 3 स्विच को ऑन कर दिया। अब फ्रेंड्स मैं आपको ये हेलोजन का बल्ब आपको चेक करके दिखा रहा हूँ जो कि फ्रेंड्स 100 वाट का है। आप देख सकते हो कि कितनी स्मूथली ये रन करेगा, देखो फ्रेंड्स ये कितनी स्मूथली इससे ग्लो कर रहा है, यानी कि जो हमारी बैटरी है फ्रेंड्स वो बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रही है फ्रेंड्स। अब आपको मैं दूसरा एक ब्लू कलर की लाइट है फ्रेंड्स, ये 12 वोल्ट की है, ये आपको टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो गाइस ये बिल्कुल ग्लो कर रही है, बिल्कुल प्रॉपर ग्लो कर रही है। अब फ्रेंड्स हमारी ये बैटरी बिल्कुल कंप्लीट है। अब फ्रेंड्स मैं आपको इसे सर्किट डायग्राम आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप इसे इजीली बना सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इजी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपके समझ में नहीं आए तो मैं आपको डायग्राम बताकर अभी बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक सेल बना लिया है जो कि फ्रेंड्स हमने लगाए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कितने सेल कनेक्ट किए हैं, 3। तो यहाँ पर मैं 3 सेल बनाऊँगा फ्रेंड्स, आपको सिंपली इसे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारे ऊपर वाले टर्मिनल हैं वो प्लस और जो नीचे वाले हैं फ्रेंड्स वो माइनस। तो प्लस से फ्रेंड्स हम एक वायर लेंगे फ्रेंड्स, उसे दूसरे सेल के नेगेटिव पे, उससे पहले बीच में हम एक स्विच लगा देंगे फ्रेंड्स। अब ऐसे ही हमें दूसरे सेल के साथ करना है फ्रेंड्स, इसके भी बीच में हमें एक स्विच लगा देना है। अब फ्रेंड्स हमारा जो पहला सेल है उसके
फ्रेंड्स पॉजिटिव से पॉजिटिव पर फ्रेंड्स एक वायर जाएगा फ्रेंड, उन दोनों के बीच में एक स्विच लगाना पड़ेगा। ऐसे फ्रेंड्स हमें नेगेटिव के बीच में भी एक एक स्विच लगाना पड़ेगा। हमें तीनों सेल आपस में कनेक्ट करनी है फ्रेंड्स स्विच के माध्यम से। और फ्रेंड्स ये मैं पहले इसकी मेन लाइन निकाल देता हूँ फ्रेंड्स, जो हमें आउटपुट 12 वोल्ट देगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब आपको मैं एक बात बता दूँ, इसके जो आपको स्विच दिख रहे हैं फ्रेंड्स, जो कि सीरीज वाले हैं, जो कि फ्रेंड्स मैं अभी बताऊँगा आपके लिए, ये दिख रहे हैं फ्रेंड्स, ये वाला स्विच फ्रेंड्स और ये वाला, इन्हें फ्रेंड्स हमें जब ऑन करना है जब हमें इससे 12 वोल्ट लेना हो यानी आउटपुट लेना हो। तो फ्रेंड्स इन्हें हमें जब यूज करना है जब हमें इससे आउटपुट लेनी हो फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपको ये वाले दिख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमें जब यूज करना है, जब इसे चार्जिंग देनी हो तब इन्हें ऑन करना है, यानी इससे चार्जिंग देंगे वो देंगे फ्रेंड्स हम 3 वोल्ट में। तो गाइस इस वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं, भाई इसने दिमाग की भाई दही बना दिया। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, ताकि मैं भविष्य में आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा।